नमस्कार, मैं हूं रजत राणा और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार से जो ब्लैकमेलिंग होती है वो मामला हम लेकर इस समय हाजिर हुए हैं और बहुत ज़्यादा मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉलिंग आती है और उसके बाद का जो खेल चलता है वो आज हम आपको ज़रूर बताएंगे। और एक युवक हमारे साथ हैं जो कि शिकार हुए हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जो वीडियो कॉलिंग की जाती है और उसके बाद क्या कुछ होता है वो हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। आपको भी काफ़ी सारी ऐसी वीडियो कॉल्स आती होंगी और उसके बाद जो है काफ़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हमारे साथ एक युवक हैं, इनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ पूरा मामला है, क्या हुआ था आपके साथ? सर पहले मैसेंजर पे हाई हेलो हुई, उसके बाद लड़की ने वीडियो कॉलिंग की। अच्छा। और न्यूडो के वीडियो कॉलिंग की। अच्छा। और बोल रहे थे कि आप भी न्यूडो जाओ। अच्छा। तो मैं न्यूड नहीं हुआ, तो उसके बाद वो कह रही आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, पैसे की डिमांड कर रहे हैं। पैसे की डिमांड कर रहे हैं? कितने दिन तक हाई हेलो चली आपकी? बस एक ही दिन, उसी दिन की बात है। एक ही दिन? तभी फिर 3 तारीख के बाद है। 3 तारीख को? 3। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद एक ऑफिसर का फ़ोन आता है व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉलिंग पे बोल रहा है कि भाई इसको यूट्यूब चैनल में बंद करवाओ और मेरे को रिपोर्ट भेजो, वरना तेरे को 2 घंटे में उठा लूँगा। 2 घंटे में उठा लेंगे? क्यों उठा लेंगे? भाई तूने साइबर क्राइम किया है इस करके। अच्छा, मतलब क्या लगता है वो कोई ऑफिसर था या उन्हीं के साथ का कोई बंदा था? मेरे को तो फ्रॉड लगते हैं दोनों। एक यूट्यूब चैनल था, वो फ्रॉड थे, सारे फ्रॉड हैं। तो नंबर भी आए होंगे आपके पास या सिर्फ फेसबुक से ही आया था वीडियो कॉल? नहीं, व्हाट्सएप पे नंबर है उनके, तीनों के नंबर है, लड़के के भी उनके भी। अच्छा, नंबर दिखाना चाहेंगे एक बार? नंबर देखिए तो दोस्तों देख लीजिए, पहले इनको मैसेंजर पर मैसेज आता है हाई हेलो का और उसके बाद डायरेक्ट जो है वीडियो कॉल इनके पास आ जाती है। और इनका कहना है कि उधर एक लड़की थी न्यूड और उसके बाद इनको भी न्यूड होने के लिए बोला जाता है। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे मामले ज़रूर सामने आ चुके हैं और साइबर, आप देख सकते हैं कि इस समय हम साइबर क्राइम जो थाना है उसके बाहर यहाँ पर हैं और देख लीजिए नंबर मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। बताओ तो नंबर एक बार मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा कि ये नंबर आप देख सकते हैं 8876716754, ये नंबर हैं। इसके अलावा और भी नंबर्स हैं जिनसे इनको वीडियो कॉलिंग आती है, 3 नंबर ये बता रहे हैं। और जो वो अधिकारी था वो क्या कहता है? वो बोलता है कि भाई इसको बंद करवाओ, मेरे को रिपोर्ट पर जो, वरना मैं 2 घंटे में उठाऊंगा। कौन सा अधिकारी बता रहा था वो? और साइबर क्राइम का बोल रहा था अपने आप को। अपने आप को साइबर क्राइम से बता रहा था? ये नंबर है उसका 82603। तो देख लीजिए ये नंबर है जो साइबर क्राइम से खुद को बता रहा था, 82603070023, ये उसका नंबर है। तो देख सकते हैं कैसे ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज ये युवक भी शिकायत देने के लिए यहाँ पर पहुँचा है कि जो है इस मामले में शिकायत की जाए। पैसे की डिमांड की गई आपसे? हाँ जी, पैसे की डिमांड की गई। कितने पैसे मांगे? 15,000 समथिंग की डिमांड कर रहे थे। अच्छा, तो आपने बोला कि भाई ये वीडियो जो आप बना रहे हो क्या मकसद है? मैंने बोला उनको, वो बोल रहे थे कि आपका मोहल्ले में ये वायरल हो जाएगी, आपकी बेइज्जती होगी, तो आपने लेने पड़ेंगे इतने बंद करवाने के लिए। अच्छा, तो पहले फंसाया जाता है उसके बाद फिर पैसों की डिमांड की जाती है। हाँ जी, यही बात है। आपको बदनाम करने की बोल दी उन्होंने? जी। तो दोस्तों देख लीजिए साइबर जो आजकल क्राइम जो बढ़ चुका है, सबसे ज़्यादा दिक्कतें किस चीज़ की आती हैं वो ये व्यक्ति बता ही रहा है कि इनको वीडियो कॉल आती हैं, कुछ और लोग हैं उनको भी वीडियो कॉल आती हैं। पहले भी ऐसे बहुत सारे मामले हम आपको दिखा चुके हैं, पहले आपको मैसेंजर पर हाई हेलो आता है और उसके बाद वीडियो कॉलिंग आ जाती है। आपको भी फिर जैसे उन्होंने आपको वीडियो कॉलिंग की थी तो आपको भी फिर उन्होंने न्यूड होने के लिए बोला होगा? जी बोला है मेरे को भी। अच्छा, वो न्यूड थे? हाँ, वो लड़की। हाँ जी, लड़की थी। तो आपने उनकी कोई स्क्रीनशॉट? कोई स्क्रीनशॉट हुआ नहीं इसमें? नहीं है? नहीं लिए वो तो उन्होंने बनाए फिर? क्या वीडियो बनाई, स्क्रीनशॉट है? स्क्रीनशॉट ये भेजा था मेरे को उन्होंने, फिर वो अपने आप डिलीट हो गया थोड़ी देर में। अच्छा, भेज दिया था उन्होंने? हाँ, भेज के फिर डिलीट कर दिया। हाँ, क्या भेजा था, वीडियो या स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ही लगता है बस। स्क्रीनशॉट? कोई धमकी दी गई कि सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे? हाँ, धमकी दे रहे थे। लड़की बोल रही है कि मैं तेरे को बदनाम करवा दूंगी सोशल मीडिया पे, मेरा फ़ोन उठा जल्दी, बार बार तंग कर रही थी मेरे को फ़ोन उठाने के लिए। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत की है कहीं? हाँ, कर रखी शिकायत इस संस्थान में। तो क्या लगता है कहाँ जो नेटवर्क है, कहाँ का है ये? ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क लगता है।
इसके बारे में तो पता नहीं कहाँ का है नेटवर्क। अच्छा, मतलब जो ट्रू कॉलर में या कुछ ऐसा आया है उनका नंबर कहाँ से है वो क्या? नहीं, नंबर तो कोई नहीं आया उनका। किसी का नंबर, किस नाम से आईडी है उस लड़की की? उसका प्रिया शर्मा के नाम से है। प्रिया शर्मा के नाम से? तो उसने पहले आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होगी? जी। और जो ये दो लोग और आप बता रहे हैं वो कौन कौन है? ये पता नहीं बाद में आई, एक तो अपने आप को यूट्यूब सब्सक्राइबर बोल रहा। अच्छा। एक ये साइबर क्राइम का अफसर बता रहा था मैंने आपको। अच्छा, तो कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों की? बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या अपील करेंगे जिनके पास ऐसी वीडियो कॉल्स आती है? उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैं तो फंस गया इसमें, आप लोग ना फंसना इसमें, ये फ्रॉड है, फिर बाद में पैसे की डिमांड करते हैं। तो बिल्कुल देख लीजिए, ये भी यहाँ पर अपील करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं कि अब अगर किसी के पास वीडियो कॉल आती है तो उसको रिसीव मत करें। अननोन नंबर है या कोई ऐसी आईडी जो लड़की के नाम से, ज़्यादातर लड़कियों के नाम से आईडियाँ बनाई जाती हैं और उसके बाद आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, तुरंत आपको मैसेज भेज दिए जाते हैं हाई हेलो के, और उसके बाद जो खेल खेला जाता है वो जो है बताया गया है कि वीडियो कॉल आपको आएगी, अगर आप रिसीव नहीं करोगे तो बार बार आपको मैसेज करके परेशान किया जाएगा, और जब आप वीडियो कॉल रिसीव करते हैं तो उधर एक न्यूड लड़की जो है आपकी वीडियो कॉल पर सामने आती है और फिर जो सामने वाला है उसको भी न्यूड होने के लिए बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे मामले ज़रूर सामने आ चुके हैं, हालांकि साइबर क्राइम की टीमें लगातार ऐसे मामलों को ट्रेस करने में लगी हुई हैं। अपील भी बार बार की जाती है कि अगर आपको किसी अननोन नंबर से, अननोन आईडी से कुछ भी ऐसी वीडियो कॉल्स आती हैं तो उसको आप बिल्कुल भी रिसीव ना करें, क्योंकि उसके बाद मुसीबत बढ़ जाती है। क्योंकि एक चीज़ और बताएं सर, शादीशुदा हैं आप? जी सर, शादीशुदा हैं। तो ऐसे अगर मान लो ज़्यादा डर लगता होगा फिर तो भाई, अगर वीडियो वायरल कर दी उन्होंने तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बेइज्जती से तो सबको डर लगता है सर, बेइज्जती से सबको डर लगता है लेकिन बस जब वीडियो रिसीव की तब डर नहीं लगा? वीडियो तो बस उसी ने कॉल किया, अपने आप उठा ली बस। अच्छा, नॉर्मल कई बार उठा भी लेते हैं भाई, पता नहीं कौन है, उठा लो। यही हो सर। तो बिल्कुल देख लीजिए, ये सारी जो समस्या है कहीं ना कहीं हमें अपने आप पे भी कंट्रोल करना होगा कि ये जो अननोन नंबर से वीडियो कॉल्स आती हैं इनको हम ना रिसीव करें, क्योंकि आज के समय में ये बहुत बड़ा जो एक गैंग है वो इस पर काम करता है। लड़कियों के नाम से आईडियाँ बनाई जाती हैं, कुछ लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ इसी लिए रखा जाता है और वो ब्लैकमेल करते हैं। इनको भी यही हुआ कि वीडियो कॉल करने के बाद इनके स्क्रीनशॉट ले लिए गए, वीडियो बना ली गई और फिर इनको भेजा जाता है कि आपकी ये वीडियो है, आपका ये स्क्रीनशॉट है, आप हमें पैसे दें नहीं तो इसको वायरल कर दिया जाएगा। तो खुद समझ सकते हैं, और उसके बाद उसको डिलीट भी कर दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा मामला ज़रूर सामने आया है। अपील करूँगा आप सभी से कि आपको अगर ऐसी कोई वीडियो कॉल्स आती हैं तो उसको रिसीव बिल्कुल ना करें, कार्रवाई ज़रूर होगी, क्योंकि शिकायत ज़रूर दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई उनके ऊपर होती है, क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है कि ट्रेस नहीं हो पाते मामले, तो कहीं ना कहीं हमें खुद सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपील आप सभी से कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आप में से कोई भी इस प्रकार का जो ये गैंग है उसका कोई शिकार हुआ है तो आप हमें कमेंट कर भी बता सकते हैं। अपील करूँगा आप सभी से कि खबर को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।